नमस्कार, हिंदी खबर डिजिटल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जहां हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की ताजा और दिलचस्प खबरें देते हैं। आज की खबर में हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने सिनेमा घरों में धूम मचा दी, कल की 2898 एडी। अगर आपने इसे सिनेमा घर में नहीं देखा तो आपने समझिए बहुत कुछ मिस कर दिया है। और जो लोग इसका OTT पर रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन्हें हम एक चौंकाने वाली खबर देने जा रहे हैं। जी हाँ, कल्की के OTT रिलीज से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आइए जानते हैं इस रोमांचक खबर के बारे में विस्तार से। 27 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई कल्की 2898 एडी ने कुछ ही हफ्ते में वर्ल्ड वाइड 1100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। फिल्म की कहानी, विजुअल्स, इफेक्ट्स और स्टार कास्ट ने इसे एक मेगा ब्लॉकबस्टर बना दिया। इतने शानदार प्रदर्शन के बाद अब फिल्म के फैंस इसे OTT रिलीज का इंतजार कर रहे थे। खबर आ रही थी कि फिल्म 23 अगस्त को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी, जिससे लोग खासे उत्सुक थे। लेकिन इस उत्साह के बीच एक ऐसे मोड़ आ गया जिसमें OTT पर कल्की का इंतजार कर रहे लोगों को चौंका दिया। रिपोर्टर्स की माने तो फिल्म का स्ट्रीम वर्जन OTT पर आया है, जिससे फैंस को थोड़ी निराशा हो सकती है। हालांकि ये बात अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं कही गई, लेकिन चर्चा शुरू हो गई है। अब ये सवाल उठता है कि क्या 6 मिनट की कटौती से फिल्म के OTT दर्शकों को क्या कोई फायदा पड़ेगा, या इस कटौती में कुछ महत्वपूर्ण सीन या प्लॉट या ट्विस्टर को हटाया गया है। इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि OTT पर आने वाले ये वर्जन सिनेमा घरों में दिखाई गई फिल्म से थोड़ा अलग होगा। प्राइम वीडियो ने कल्की के साउथ इंडियन लैंग्वेज वर्जन के OTT राइट्स 200 करोड़ रुपए में खरीदे, जबकि हिंदी वर्जन के राइट्स नेटफ्लिक्स में 175 करोड़ रुपए में हासिल की। OTT पर आने से पहले ही फिल्म ने 375 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। फैंस को उम्मीद थी कि फिल्म का हिंदी वर्जन भी जल्द ही नेटफ्लिक्स पर आएगा, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट का कोई खुलासा नहीं हुआ है। इसके अलावा कल्की के पहले पार्ट की जबरदस्त सस्पेंस के बाद फैंस अब इनके दूसरे पार्ट का भी इंतजार कर रहे हैं। नाग अविनाश और प्रभास दोनों ने इस फिल्म के दूसरे पार्ट के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि प्रभास के पास फिलहाल कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनको पूरा करने के बाद ही वो कल्की 2 पर काम करेंगे। नाग अविनाश ने भी संकेत दिया है कि दूसरे पार्ट को आने में लगभग 3 साल का वक्त लग सकता है। अब सवाल ये है कि अगर आप इस फिल्म के OTT वर्जन का इंतजार कर रहे थे तो क्या ये खबर आपके लिए मायने रखती है? क्या आप OTT पर 6 मिनट की कटौती के साथ कल्की देखना चाहेंगे या फिर सिनेमा घरों में जाकर इसका भरपूर अनुभव लेना पसंद करेंगे? यह वाकई एक दिलचस्प दौर है जहां सिनेमा घरों की दमदार सफलता के बाद OTT वर्जन को लेकर इतना उत्साह और चर्चा है। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक इस फिल्म को सिनेमा घर में नहीं देखा तो आप वाकई बहुत कुछ मिस कर चुके हैं। और अगर आप OTT पे इसका रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। फिर भी अगर आपको एक सच्चे फैन है तो कल्की का ये नया वर्जन भी आपको पसंद आ सकता है। आखिरकार फिल्म का अनुभव हर दर्शक के लिए अलग होता है और उम्मीद करते हैं कि कल्की के OTT वर्जन का अनुभव भी उतना ही शानदार होगा। क्या आप ट्रिम्ड वर्जन देखकर संतुष्ट हो या फिर सिनेमा घर में जाकर इसका पूरा अनुभव लेना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।